नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, बहुत दिनों बाद आज एक नई जर्नी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और अभी मैं पहुंच चुका हूं उत्तराखंड राज्य के अंदर। तो उत्तराखंड हम पहुंचे हैं, बेसिकली कल हमारी ट्रेन थी जयपुर जंक्शन से काठगोदाम के लिए और अर्ली मॉर्निंग हम काठगोदाम पहुँच चुके थे और उसके बाद हमने काठगोदाम से बस ली और काठगोदाम से समथिंग 35 किलोमीटर दूर नैनीताल पड़ता है। अभी आज नैनीताल की खूबसूरत हसीन वादियों के अंदर से मैं आपका स्वागत कर रहा हूं और अभी तो मैं फिलहाल हूं नैनीताल के अंदर। एक धर्मशाला हमने यहां पे ली है, इस धर्मशाला का नाम है परमा शिव लाल दुर्गा शाह, ऐसे कुछ करके इस धर्मशाला का नाम है। यहां पे हमने रूम लिया है और अभी मेरे साथ है चंदन प्रकाश भाई, जो कि हमारे साथ हमेशा रहते हैं हमारी हर जर्नी के अंदर। तो अभी हम यहाँ से जा रहे हैं नैनीताल लेक को विजिट करने, जो कि यहाँ का एक मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है। तो यहाँ से हम जाएंगे और जो भी नज़ारे हैं वो मैं आपको इस वीडियो के जरिए दिखाऊंगा। तो चलिए आज के हमारे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर आप इस वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आज के हमारे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहाड़ों के ऊपर देखिए कुछ इस प्रकार से मकान यहाँ पर बने हुए रहते हैं, जो लोग यहाँ पर रहते हैं देखिए कुछ इस प्रकार से इनके घर पहाड़ों के ऊपर बने हुए रहते हैं। देखिए यहाँ ऊपर तक मकान बने हुए हैं। तो इस रास्ते से होते हुए हम नैनीताल लेक की तरफ जा रहे हैं। तो दोस्तों अभी मैं पहुंच चुका हूं नैनीताल लेक। ये जो आप मेरे पीछे लेक आप देख पा रहे हैं, ये है नैनीताल लेक, देखने में बहुत खूबसूरत है। और अभी मैं आपको बैक कैमरे से भी दिखाता हूं। तो देखिए यहां का चारों तरफ का जो नज़ारा है, जो व्यू है, कुछ इस प्रकार से है। ऊँचे ऊँचे पहाड़ हैं और बीच में ये लेक बनी हुई है और पहाड़ों के ऊपर देखिए कुछ इस प्रकार से मकान बने हुए हैं। अभी मैं आपको बैक कैमरे से इस लेक का पूरा नज़ारा दिखा दूँ। तो ये है नैनीताल लेक और इस लेक का जो नज़ारा है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। देखिए चारों तरफ इस प्रकार से ऊंचे ऊंचे पहाड़ है और इनके बीच में ये बहुत सा पानी भरा हुआ है, ये लेक बनी हुई है। और यहाँ पे देखिए इस प्रकार से आप बोटिंग भी कर सकते हैं। अगर आप नैनीताल लेक के अंदर बोटिंग करना चाहते हैं तो बोटिंग भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे बोटिंग के लिए टिकट काउंटर यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ से आप टिकट लेके बोटिंग कर सकते हैं इस लेक के अंदर। तो ये नैनीताल लेक है और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता देता हूँ, ये जो नैनीताल लेक है यहाँ पे बहुत सी बॉलीवुड फिल्मों की भी शूटिंग हो चुकी है। मैंने कुछ वीडियोस आपको यहाँ से दिखाए हैं हमारे दूसरे चैनल के ऊपर, तो आप उस चैनल को विजिट करके यहाँ की जो शूटिंग लोकेशंस हैं वो आप देख सकते हैं। देखिए सामने इन पहाड़ों के ऊपर बहुत से मकान बने हुए हैं, घर यहाँ पे बने हुए हैं। देखिए इस लेक के अंदर देखिए बहुत सी मछलियाँ तैरती हुई नजर आएंगी आपको।
तो दोस्तों अभी हम बोट के अंदर बैठ चुके हैं और हमने जो बोट का जो टिकट लिया है वो पूरा जो चक्कर है उसका टिकट हमने लिया है। और ये भैया है जो हमारे को इस लेक के अंदर बोटिंग करवा रहे हैं। तो भैया क्या नाम है आपका? तो इन भैया का कृष्णा नाम है और ये हमारे को बोटिंग करवा रहे हैं और इनकी जो बोट का जो नाम है वो है राधा डिलक्स, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखिए इस प्रकार से बोटिंग करवाते हैं, ये नाव इस प्रकार से चलती है। इनको क्या बोलते हैं भैया? तो ये जो है दोनों तरफ इनको बोलते हैं चप्पू, इनको बोलते हैं और इन्हीं से ये नाव चलती है। देखिए कुछ इस प्रकार से चलती है, आप देख सकते हैं। और इस नैनीताल लेक का खूबसूरत नज़ारा आप देख सकते हैं, पीछे ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और पहाड़ों के ऊपर इस प्रकार से ये घर बने हुए हैं। बहुत ब्यूटीफुल नज़ारा यहाँ से देखने को मिलता है। तो नैना देवी मंदिर के नाम पे इस लेक का नाम नैनीताल लेक पड़ा हुआ है। और इसके अलावा इस लेक के अंदर बहुत सी बॉलीवुड फिल्मों की भी शूटिंग हुई है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे कौन कौन सी बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग हुई है? सिर्फ तुम फिल्म, चांद के पास चलो, काटी पतंग और वो कोई मिल गया फिल्म की भी शूटिंग हुई है। तो ऋतिक रोशन की जो फिल्म थी कोई मिल गया, उस फिल्म की भी इस लेक के अंदर शूटिंग हुई है। बेसिकली इस लेक का नज़ारा दिखाया गया है यहाँ पे। मतलब फिल्म के अंदर जो ऋतिक रोशन की जो स्कूल होती है, यानी कि रोहित जिस स्कूल के अंदर पढ़ते हैं वो स्कूल यहीं पर है। यहाँ पे देखिए एक बार पहाड़ के ऊपर स्कूल है एक, जिस स्कूल को कोई मिल गया फिल्म के अंदर दिखाया गया है। तो ये नज़ारे हैं इस नैनीताल लेक के और बहुत अच्छा लग रहा है हमें इस लेक के अंदर बोटिंग करते हुए। आप भी अगर कभी उत्तराखंड आए नैनीताल तो ज़रूर आप यहाँ पे बोटिंग कर सकते हैं। और ये राधा डिलक्स है, इन भाई से आप मिल सकते हैं और यहाँ पे बोटिंग कर सकते हैं। बहुत मज़ा आया हमको यहाँ पे। अभी मैं आपको आगे और भी अच्छे अच्छे नज़ारे दिखाते रहूँगा। दोस्तों अभी जैसा कि इन भैया ने बताया था हमारे को कि इस नैनीताल लेक का जो नाम है वो नैना देवी मंदिर से पड़ा हुआ है। तो जो नैना देवी जो मंदिर है नैनीताल के अंदर, वो देखिए वो यहाँ से दिखाई देता है, वो जो आप देख पा रहे हैं, आप एक बार जूम करके दिखा दीजिएगा। वो देखिए वो है श्री नैना देवी का मंदिर, और मंदिर के पास में ही एक गुरुद्वारा स्थित है, वो भी आप देख सकते हैं। तो हमने अभी जो हमारा इस लेक का जो इधर राउंड है वो पूरा कर लिया है यहाँ से, मतलब अब यहाँ से वापस चल रहे ना। पर अभी एक इंटरेस्टिंग चीज़ और मैं आपको एक बताना चाहता हूँ। अभी हमने इन भैया से पूछा था कि ये जो लेक है इसकी गहराई कितनी होगी, तो इस लेक की गहराई इन्होंने बताई है 120 फीट इस लेक की गहराई है। हमको तो पहले ही डर लग रहा है, चंदन प्रकाश को ज़्यादा डर लग रहा है मेरे से ज़्यादा, ये थोड़ी सी भी हिलती है तो इनको ज़्यादा डर लगता है। तो इस लेक की जो गहराई है वो 120 फीट इस लेक की गहराई है। दोस्तों अभी हमने हमारी ये जो बोटिंग है वो लगभग कंप्लीट कर ली है, तो इस वीडियो को भी हम यहीं पर एंड करते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और काफ़ी एंजॉय किया होगा आपने इस वीडियो को। तो इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।